हाई ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 के आसपास का टाइम है, और अभी आज मैं बाहर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा सा आप सभी को दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ना, तो पत्ते इतने सारे गिरते हैं कि मतलब ज़मीन तो दिख ही नहीं रहा था। ये साफ़ करने के बाद इतना थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा साफ़ हुआ है, क्योंकि पत्तों से ना ज़मीन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। और पूरा झाड़ू करने के बाद सारे पत्ते को इकट्ठा किया है मैंने, और अभी इसमें मैं लगा दे रही हूँ आग, ताकि सारे पत्ते जल जाएं, नहीं तो फिर रह जाएंगे तो सारे फैल जाएंगे। और ये जो ब्लॉग है वो है फ्राइडे का, तो आज थोड़ा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरा। पूरे सप्ताह में सोच के रखती हूँ कि कौन कौन सा काम मुझे करना है, तो यही एक दिन होता है जिसमें मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। वैसे थर्सडे को भी करती हूँ, लेकिन कल मैंने ना कुछ और ही काम रखा था जिसको मैं कर रही थी, जिस वजह से मैं और कोई काम नहीं कर पाई। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि घर का जो काम है वो अंदर का बाद में करूँगी, पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद बहुत सारा कपड़ा भी था आज धोने के लिए, तो बाहर की सफाई करने के बाद मैं यहाँ कपड़े धोने के लिए आई। तो कपड़ों में मैंने सबसे पहले ना पायदान और ये थोड़े बहुत चप्पल और जूते ये सब थे जो कि धोना था। हस्बैंड के सैंडल था और जूता था उनका, और कुहू का दो चप्पल था, तो सबको धोकर मैंने डाल दिया है। धूप बहुत अच्छा निकला हुआ था तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सबको, ताकि ये सब जल्दी से सूख जाएंगे, मतलब दिन भर में सूख जाएंगे, क्योंकि इन सबको सूखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने सबसे पहले पायदान और जूते चप्पल को धो करके डाला है। ये जो कपड़ा डाला है मैंने वो कल वाला कपड़ा है, और आज पहाड़ बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बादल आज बिल्कुल भी नहीं है, तो पहाड़ बिल्कुल क्लीन क्लीन दिख रहा है। पेड़ पौधे जितने भी है सारे पहाड़ के पास, मतलब पहाड़ के ऊपर वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे है ITBP का कैंप, पुलिस कैंप, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, रास्ता नज़र आ रहा होगा वहाँ का। और ये ऊपर में देख सकते हैं बहुत बड़ा सा झंडा है जो कि हमारा झंडा है, तो इसे ना ऐसा लगता है देख करके कि हम अपने ही जगह में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब इस तरह से ना झंडा को लहराते देखते हैं। तो बाहर का मौसम आज कुछ इस तरह से बना हुआ है, धूप खिली खिली वाली है, अच्छा लग रहा है धूप निकला है। तो मैं जल्दी जल्दी से आज बहुत सारा काम करने वाली हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है मुझे। तो सारे कपड़े ना मैं यहाँ पे डाल ली थी, पैदान और जूते चप्पल, तो जो कपड़े मेरे ये थे ये सूख चुके थे, क्योंकि कल के कपड़े थे, तो थोड़े बहुत ही मतलब कपड़ों में सूखना कपड़ों को बाकी रहा था, तो सब सूख चुका था। तो मैं लेकर अभी अंदर आ गई हूँ, और अंदर अभी आप रूम का हालत देख सकते हैं, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। नाश्ता ये सब बना करके, बस नाश्ता, मैं तो अभी तक नाश्ता भी नहीं की हूँ, बस मेरे हस्बैंड नाश्ता करके गए हैं, और मैं नाश्ता बिना किए ही बाहर की सफाई करने लगी थी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मुझे आलस आता है, तो फिर वो काम नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो मैं रूम में आने के बाद कपड़ों को रख दी थी और चली गई थी नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ, सबसे पहले कपड़ों को लगा देती हूँ मतलब अलमारी में, क्योंकि बाहर रहेंगे ना तो इसमें से कुहू अपना कपड़ा निकाल निकाल के सब फिर फैला देती है, और फैलाने के बाद ना फिर कपड़ों को ऐसे रखने में अजीब सा लगता है, मतलब मन ही नहीं भरता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब कपड़ों को रख दे रही हूँ। और आज ना बाहर की साफ़ सफाई करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, और ऊपर से पानी भी आज लेट से चला, तो इस वजह से भी ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है अभी। और काम मेरा लगभग अभी सब चीज़ पड़ा हुआ ही है, जैसे ही पानी चलना स्टार्ट हुआ मैंने जूते चप्पल जो धोना था वो धोया, पायदान धो के डाला है, बाकी कपड़ा जितना है धोने के लिए वो सारे कपड़े को मैं भिगो करके रख दी हूँ, तो वो सारे कपड़े अभी धोऊंगी, पोछा भी लगाऊंगी। और आज थोड़ा सा फ़ैन साफ़ करना है, कब से सोच रही हूँ साफ़ करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज थोड़ी धूप तो है लेकिन गर्मी नहीं लग रही, तो मैंने सोचा कि चलो आज फ़ैन को भी साफ़ ही कर देती हूँ, कुहू को भी नहलाना
करना बाकी है और मुझे भी ना आज हेयर वॉश करना है। कुहू का भी हेयर वॉश करके नहलाऊंगी। सारा काम टोटल पड़ा हुआ ही है। सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ, लेकिन जो नॉर्मली हर दिन मेरा जो काम होता है ना, उसमें से अभी एक भी काम नहीं हुआ है। सब चीज़ अभी पड़ा हुआ ही है, बस सुबह का नाश्ता ये सब हुआ है, बस बाकी सब काम पड़ा हुआ है। बाहर की साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि बाहर में सब जगह मुझे झाड़ू कर करके सारे पत्ते को निकालने पड़े हैं। बहुत ज़्यादा घास था तो उस घास को भी निकालना पड़ा हाथों से, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम चला गया है। तो कोई नहीं, एक दिन के लिए टाइम निकाल के साफ़ कर ली तो अब ना हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया। वैसे हर दिन सोच रही थी और हो नहीं पा रहा था, तो वही काम मेरे लिए बहुत बोझ लग रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन आज कर लिया तो फाइनली मुझे जा कर के हल्का लग रहा है। घर का काम तो धीरे धीरे निकाल ही लूँगी। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मोड़ने के बाद थोड़ा बहुत अलमारी में इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, तो वो सारे चीज़ों को ठीक कर ले रही हूँ। थोड़ा बहुत लकड़ी का जो होता है ना, वो गिर जाता है तो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन लकड़ी में से किया जो कीड़ा खाता है ना, वो लकड़ी गिर जाती है, तो वो सबको साफ करना पड़ता है बीच बीच में। तो वही सब अभी मैं साफ कर ले रही हूँ। और आप सभी को मेरा वीडियो जो है ना, उसमें थोड़ा चेंजिंग नज़र आ रहा होगा, जैसे क्वालिटी में। तो कल परसों ही मैंने फ़ोन को अपडेट किया था, उसके बाद से ना पता नहीं क्यों कैमरा का जो क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया है। जो कि वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है, पर पता नहीं फ़िल्टर वगैरह कुछ भी करने से ना सही हो ही नहीं पा रहा है वीडियो। तो प्लीज़ आप जैसा है आप लोग देखिएगा, इग्नोर करिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ना सब चीज़ों को ठीक करने के बाद मैंने ना आज कंबल, जो मेरे कंबल हैं पतले वाले और मोटे वाले, तो सबको मैंने आज बाहर डाला है, क्योंकि धूप निकला था तो थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगती है कंबलों में से। तो मैंने सोचा है धूप निकली हुई है तो डाल दे रही हूँ, सूख जाएगा तो स्मेल जो है वो निकल जाएगा। तो कंबल को बाहर डालने के बाद अभी मैं यहाँ गई फ़ैन साफ़ करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ऊंचा है, मैंने चेयर लगा करके पलंग के ऊपर ही, और इस तरह से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो मैंने बस ना एक छोटा सा कपड़ा लिया है कॉटन का, उसको थोड़ा सा पानी से भिगा करके और उसके बाद इस तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जब से मैं यहाँ आई थी तब से साफ़ हुआ ही नहीं था, क्योंकि उतना दिख नहीं रहा था। और अभी एक महीने पहले से थोड़ी थोड़ी सी धूल इसमें दिख रही थी, जब मैं उसको चढ़ी निकालने के लिए उसका धूल, तो इतना ज़्यादा धूल था, मतलब सारे धूल को हटाने के बाद जब मैंने तौलिया से साफ़ किया तब इतना तौली में धूल आ गया था। फ़ैन को साफ़ करने के बाद अभी मैं किचन की सफ़ाई कर रही हूँ। तो सुबह में मैंने ऑमलेट बनाया था और कुछ बनाया नहीं था, तो ज़्यादा गंदा तो था नहीं, लेकिन मैंने आज ना गैस की डीप क्लीनिंग करी है और फिर नीचे में भी पूरा पानी से अच्छे से पानी मतलब डाल डाल के और पूरे अच्छे से वाइपर से मैंने क्लीन किया है फ़र्श को नीचे, और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। तो मेरा किचन भी जो है वो पूरा क्लीन है, बर्तन थोड़ा बहुत था वो सारा मैंने धो लिया। उसके बाद अब ना बारी आती है पोछा लगाने की, झाड़ू कर लिया है मैंने। तो फ़ैन मैंने नहीं चलाया था, लेकिन अभी पोछा लगा रही हूँ और कुहू रूम में ही है, तो अभी उसको सुखाना भी जल्दी ही पड़ेगा, क्योंकि रूम में रहती है ना तो इधर उधर दौड़ते रहती है, और ये जो मैट है वो थोड़ा सा फिसलन टाइप का है तो कभी गिरने का डर रहता है, इसलिए मैंने फ़ैन चला दिया है। पोछा लगाते जाऊँगी और जल्दी से सूख जाएगा। तो आज मैंने ना दो पायदान नहीं धोया है, एक बेडरूम वाला और एक जो मैं बाथरूम के पास रखी हूँ, क्योंकि मेरे पास हर जगह के लिए, हर दरवाजे के लिए एक ही पायदान है। तो सारे धो देने के बाद बाकी जगह तो चल जाता है, लेकिन एक बेड के पास ज़रूरी होता है और एक बाथरूम के पास, तो मैंने दो छोड़ दिया है। ये दो को मैं बाद में धोऊँगी, जब वो सारे सूख जाएंगे ना तो फिर मैं इन दोनों को धोऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा लिया इस वाले रूम में, और इसी तरह से मैं सारे रूम में पोछा लगा लूँगी। और काम करते करते ना इतनी गर्मी लगने लगी थी कि हालत ख़राब हो रहा था। फिर ना उसके बाद मैं खाना भी बनाई, और खाना बनाने के बाद नहाई, और उसके बाद अभी जितना सारा कपड़ा था वो सारा भी धो लिया था। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर में, तो आज हेयर वॉश किया है।
तो थोड़ा सा बाल को भी धूप में सुखाऊंगी और सारे कपड़ों को डाल दूंगी। अभी मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो उनको मैंने खाना दे दिया है, और उसके बाद अभी मैं बाहर आई हूँ कपड़ों को डालने, और उनको खाना देकर ही मैं नहाने के लिए गई थी तो उनका खाना हो गया। कुहू को भी मैंने नहला दिया था, तो कुहू को मैंने बस ना बाल ऐसे ही मैं उसका झाड़ दी थी, लेकिन उसने हेयर बैंड लगाया था जिसके वजह से पूरे बाल को उसने इस तरह से बिखेर लिया है। अभी उसका चोटी भी बनाऊंगी जब मैं इधर, अभी बहुत सारा काम बाकी है, आज शॉर्ट्स भी बनाने हैं मुझे, अभी बहुत बहुत ज़्यादा काम बाकी है, लेकिन इतना काम हो जाने के बाद ना मन को शांति मिलता है कि चलो आज का काम, जो हड़बड़ी वाला काम जो होता है ना, ये यहीं तक होता है, तो बस ये सब हो जाए तो एक मन में शांति रहती है कि चलो जो काम था वो निकल गया। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैं डाल ले रही हूँ और बस 5 से 10 मिनट के लिए अभी बैठूँगी थोड़ा सा धूप में, क्योंकि ये वाला धूप अच्छा लगता है। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, और अभी का टाइम जो हो रहा है वो 2:30 बज रहा है, तो मैं खाना खाऊँगी और उसके बाद का फिर जो बाकी काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये सारे कपड़े डाल लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब खा लेते हैं खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। सुबह मैंने बस ना मतलब अंडे का एक ऑमलेट बना के खाया है, वही खा के अभी तक हूँ। अभी 2:30 से 2:45 के बीच का टाइम हो रहा है, और समझ सकते हैं कितना इतना सारा काम किया है मैंने, आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी किया है, तो भूख बहुत तेज़ वाली लगी है। आज मैंने खाना में बनाया था चावल और चना दाल का बनाया था, फ्राई वाला दाल जिसको हम लोग तड़का बोलते हैं, और साथ में सलाद है, तो बहुत अच्छा सिंपल वाला खाना है और फटाफट से बनाने के लिए मैंने जल्दी से इसे बना लिया था। तो चलिए आज का ब्लॉग ना यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द और एक प्यारा सा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।